हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू MSTV। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ गुड़गांव में कितना ट्रैफिक होता है और गुड़गांव का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने देख रहे हो आप लोग, ये है सेक्टर 54 मेट्रो स्टेशन। इसका साथ है ये वाला बिल्डिंग जो कि सन सिटी प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसे बिजनेस टावर भी कहता है। बाकी पीछे जो दिख रहा है ये सब है सोसाइटी, और उधर दूर से दिखाई देता है बड़े बड़े बिल्डिंग है, वहाँ पे महिंद्रा का है बिल्डिंग काफ़ी दूर में। ये एक सोसाइटी है, और ये सोसाइटी जो है फ्रेंड्स, इसको सन सिटी कहा जाता है, सन सिटी, जिसे कि गुड़गांव डेवलप्ड जो अथॉरिटी है उसी का नक्शा से बनाया गया। तो इस नक्शा से बनाया गया ये सन सिटी, सारे जो कोठीवारी है एक ही लाइन में दर्शाया गया है, उसका मतलब एक मॉडर्न स्ट्रक्चर मानो। फ्रेंड्स, ये जो सोसाइटी देख रहा है, इस सोसाइटी का नाम है बीरेंद्रा। फ्रेंड्स, ये बीरेंद्रा सोसाइटी मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है, और काफ़ी महंगा भी है ये सोसाइटी। और इसका साथ जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये है नीचे आपका, इसे कहता है विपुल प्लाजा। तो फ्रेंड्स, विपुल प्लाजा में काफ़ी सारा बैंक है, ऑफिस है, ये सब विपुल प्लाजा में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मेन बात है ये गुड़गांव ट्रैफिक का बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देखो मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुड़गांव का ट्रैफिक का क्या हालात है फ्रेंड्स, और ऊपर से जो जा रहा है फ्रेंड्स, ये है मेट्रो जो गुड़गांव में रैपिड मेट्रो कहा जाता है। और ये ट्रैफिक का हालात फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बारिश हुआ इसलिए इतना ट्रैफिक है। तो जब भी बारिश होता है या बारिश का संभावना होता है, तभी गुड़गांव में इसी तरह का ट्रैफिक देखने को मिलता है, जबकि ऑफिस से निकलने का टाइम है ये। तो फ्रेंड्स, गुड़गांव